देवर जी रात आए उठाई है चुंदरिया, देवर जी रात कौन देवर भाई बताओ। मोर मुकट जिनके सिर पे सो है, मोर मुकट इनके सर पे सो है, और फेंटा में जिनके सीती बसुरिया देवर जीरा सुदामा बैठ करके प्रभु का गुणगान करने लगे, धन्य हो द्वारकाधीश, एक ही रात में मुझे क्या बना दिया। भक्तों इस तरह से भगवान ने सुदामा की गरीबी का हरण किया। इधर महाभारत से जो यादव बच गए द्वारका में, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, बहन बेटियों को छेड़ने लगे, भगवान कन्हैया का माता ठनका, अहिरों में दुर्बुद्धि कहां से आ गई? दुर्बुद्धि कृतवर्मा से कहा, कृतवर्मा द्वारका में घर घर में खबर कर दो, कल दरबार में सभी सरपंच लोग आ जाएंगे। कृतवर्मा ने द्वारका में डोंडी पिटवा दी है। सुबह सुबह सब नौजवान बड़े बूढ़े सरपंच सब आ गए उग्रसेन के दरबार में। अक्रूर को खड़ा कर दिया। अक्रूर कहने लगे, द्वारका के सरपंचों बुजुर्गों नौजवानों, राजवंश की तरफ से सबका सम्मान है, आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि जिस द्वारका में हवन की सुगंधी गलियों में आती थी, आज दारू की दुर्गंधि से नाक बंद करनी पड़ती। यह भी पता है, लगा है कि कुछ यादव अपने घर में दारू बनाते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, बेचते हैं, जिन अहीरों के घर में पैसा की रात कोसते ले जाए, खजाने से ले जाए, लेकिन द्वारका में ना दारू बनेगी ना कोई पिएगा। असोई चंद्रसेन नाम का अहीर खड़ा हो गया, कहने लगा, ए अक्रूर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या कह रहे हो? अक्रूर बोले, यही कह रहा हूं, अगर तुम लोग न मानो तो द्वारका खाली कर जाओ। चंद्रसेन कहने लगा, द्वारका किसी के बाप की बाप होती है? अरे हम दारू अपने घर में बनाते हैं, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को पिलाते हैं। हाँ एक सरप्पा खड़े हुआ, हजारों खड़े हो गए, और यहां तक था कि भगवान कन्हैया को गाली देने लगे, चले गए। भगवान कन्हैया अकेले में आके बैठ के रोने लगे कि जो यादव हमारी उंगली के इशारे पर जान देते थे, आज हमें अब शब्द बोल के चले गए। तो हेलो नारद जी आ गए। नारद जी बोले, श्याम सुंदर काय रो रहे, याद नहीं तुम्हें?
गंधार ने तुम्हें श्राप दिया था, तूने मेरे वंश को आपस में लड़ा के मार डाल मरवा डाला, तेरा यादव वंश भी आपस में लड़के मरेगा। और तुम अगर ये कह रहे हो कि गाली तुम्हें दी तो सुनो,